بسم الله الرحمن الرحيم. بيولوجي كلاس chapter number 2 solving a biological problem. In this chapter our topic steps of biological method are continued. And steps of biological method or scientific method, the third step is formulation of hypothesis. So hypothesis, it is a statement given by a scientist or biologist about a biological problem. It should be true or false. In other words, hypothesis, it is the possible or tentative answer of a biological problem. A biologist may make many hypotheses about a biological problem. A good hypothesis has the following characteristics. And the first one is, hypothesis should be a tentative idea. Tentative mean, in a hypothesis should be a temporary idea. It is a temporary idea, not a permanent idea. Next, it should be kept as simple as possible. It means that hypothesis must be simple, not complicated. Next, hypothesis should be testable through experiments. And hypothesis should be disproved after experimentation. And the last characteristic of a good hypothesis is that hypothesis should be based upon the observation made by the biologist. So hypothesis mafruza pars ki hui baat, in a hypothesis jo hai ek pars ki baat hoti hai. Ye scientist observation karta hai aur observation ke baad फिर वो एक पर्सी बात एक स्टेटमेंट देता है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में. और वो पर्सी बात वो दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, यानी हाइपोथेसिस के दुरुस्त और गलत होने के दोनों चांसेस होते हैं. सो दिस वाज अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. द फोर्थ स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी इज डिडक्शन. डिडक्शन, it is the logical consequence of hypothesis, and it involves the use of if and then. For example, in 1878, when a French army physician Leurent, he made a hypothesis about malarial disease. So he told that his hypothesis was that Plasmodium is the cause of malaria. Then deduction was that if Plasmodium is the cause of malaria, then all person suffering from malaria must have Plasmodium in their blood. So deduction जो है ये एक निचोड़ होता है, ये एक अकस की हुई बात होती है. हाइपोथेसिस से मफरूजे से एक नचोड़ अखज किया जाता है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1878 में जब मलेरिया की बीमारी पहली पहल मंजरेआम पर आई, किसी को पता नहीं था कि मलेरिया किस वजह से होता है, इसका कॉजल एजेंट क्या है वगैरह वगैरह. तो साइंटिस्ट अपना बायोलॉजिकल मेथड कर रहे थे, बायोलॉजिकल स्टेप्स यूज कर रहे थे. तो उनमें एक फिजिशियन था, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन जिसका नाम लेवरान था, 1878 में उसने मलेरिया के बारे में एक हाइपोथेसिस पेश किया. उसका हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया. उसी हाइपोथेसिस से फिर उसने डिडक्शन अखज किया, एक नतीजा अखज किया कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, देन ऑल पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया की बीमारी लाहिक होती है, तो फिर दुनिया के तमाम इंसान जो मलेरिया के मरीज हैं, जिनमें मलेरिया की बीमारी है, उनके खून में प्लाज्मोडियम जरूर होगा.
और इस डिडक्शन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट होता है. इट मींस के डिडक्शन हेल्प द बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट्स. इन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी द फिफ्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी. Biologists perform various experiments to see if hypothesis and deduction are true or not. It means that the deduction which are drawn from hypothesis, they are subjected to various experiments. In a biological method के दौरान जब scientists किसी भी biological problem के बारे में हाइपोथेसिस काम करते हैं, उसी हाइपोथेसिस से डिडक्शन अखज किए जाते हैं, उसी डिडक्शन को फिर साइंटिस्ट उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. अगर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स डिडक्शन के फेवर में आते हैं तो हाइपोथेसिस को दुरुस्त तस्वीर की जाती है, उसको बरकरार रखा जाता है, फिर उस पर मजीद फर्दर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. और अगर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स डिडक्शन के पेवर में नहीं आते तो फिर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट की जाती है. सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन. आफ्टर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स द लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. ड्यूरिंग दिस स्टेप द बायोलॉजिस्ट पब्लिश हिज कंक्लूजन in the form of research articles in scientific journals and books. He also presented his conclusion in science seminars at national and international levels. In this way, the conclusions are verified and the knowledge is then applied to solve a biological problem. Iske saath hamare aaj ka topic biological प्रॉब्लम स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ये इख्तिताम तक पहुंचे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.